आओ दिलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले हरियाणा के भाइयों को राम राम। मैं आपका दो ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास। हम आपका स्वागत करता हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छे लग रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो आज हम अपने हरियाणा के बहुत ही खतरनाक और भाई फेवरेट रैपर सिंगर के गाने के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूँ, वन एंड ओनली केडी भाई। तो केडी भाई के गाने के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। गाने का नाम है मम्मी वेपन पे वेपन, समझ गए। तो भाई गाना बहुत खतरनाक होने वाला है। गाने के अंदर केडी देसी रॉक से गाना है, परंजन दहिया, कोमल चौधरी, न्यू हरियाणवी सॉन्ग 2024 का गाना है। और केडी भाई को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैंने कल ही केडी भाई का मम्मी को मैसेज दिखाया था, केडी भाई ने हमारे को अप्रिशिएट करा है। राम राम केडी भाई को, मम्मी को राम राम करा था, मम्मी ने आपको रिप्लाई कर दिया। भाई अगर आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत सारा प्यार करते हैं हम लोग आपसे, और बहुत ही ब्रिलियंट आदमी हो आप, बहुत ही जबरदस्त चीज लिखते हो। हरियाणा में आपसे ऊपर रैपर मैंने कोई नहीं देखा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है इस जन्म में। बहुत जबरदस्त लिखते हो भाई और बहुत डिसेंट लिखते हो। तो भाई ने हमारे को मैसेज कर रहा था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अप्रिशिएट को करता था, बहुत अच्छा लगता भाई की कलयुग गाने के ऊपर रिएक्शन कर रहा था। तो अब वेपन गाने के ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे हमारा क्या ओपिनियन है, हम क्या सोचते हैं इस गाने के ऊपर। मुझे पता है जहां केडी भाई आ गया तो भाई कुछ खतरनाक ही होने वाला होगा। तो गाने में चलने से पहले मैं मम्मी से पूछता हूं, मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहूंगी कि केडी भाई जब दिखता है ना दिल फाड़ के लिखता है, ऐसे लिखता है कि बस आदमी देखे और देखता ही रह जाए कि वाकई में बंदे ने कुछ जबरदस्ती लिखी, क्या सोच के लिखा है और क्या बहुत बढ़िया बात। हमें तो वो बहुत प्यारा है और हमारे दिल को उसकी बातें बहुत छूती हैं। लोग पसंद भी बहुत करते हैं, बिल्कुल पसंद करती हैं। या मेरे को ये नहीं मालूम, मैं बहुत पसंद करती हूँ भाई को। मैं तो इसकी कायल हूँ क्योंकि ये बातें बिल्कुल सच्ची करता है और अच्छी बातें करता है और जेन्युइन बातें करता है, और इसकी बातें जो है ना वो हमारे को बहुत प्यारी है। चले फिर गाने पे, तेरा मेरे से सवर नहीं हो रहा, गाने पे चलते। उससे पहले बता दो जो जो हमारे चैनल पे नया जिन्होंने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हरियाणा के जितने भाई है जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और ऐसे और भी गानों को रिएक्शन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देखिए हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहां से देख रहे हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वेपन बहुत सही लगती है। सुन मेरे बाप का सब बड़ा कारोबार, वो तो 40-50 बंदे रखे से स्टाफ में। सैलरी के चेक में खबोत मोटे जावे, पूरे महीने का हिसाब पड़े 18-20 लाख। मेरे पापा ने दिखा दिए रे फोटू मेरी जान, नुगो देख ले जमाई तेरा गैंग रखे से। हम बोलो सो स्टाफ, हम भाई बोलिया सैलरी है शहर सारा हैंग रखे। काम के बताऊ थारा गाम के बताऊ, काम के बताऊं थारा गाम के बताऊं। बापू नाट जागा डोगे और गोली देख के, काम का अंदाजा नुको अपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले थोड़ी देर। हूर की परी से नू तो दुनिया में बहुत होई, तेरे तर अटैचमेंट बोली देख के। काम का अंदाजा नुको अपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले थोड़ी देख के। काम का अंदाजा वेपन से लगा लेना और गांव का अंदाजा टोली देख के लगा लेना। वाह यार, नाइस यार, वेरी नाइस। चांदी वाली डब्बी में के रख से तू के गिरे, यो कला तार कोल सा जो खाए जावे से। इसने बना रखी से आग में ये लाल, तेरे नाम का सुरूर या चढ़ाए जावे। दादी पूछे काम काज सारे खुल जांदे राज, दादी पूछे काम काज सारे खुल जांदे राज। रही चढ़ी तेरी आंख ओली सोली देख के, काम का अंदाजा नुको अपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले थोड़ी देर। बहुत बढ़िया। हूर की परी से नू तो दुनिया में बहुत होई, तेरे तर अटैचमेंट बोली देख गए। काम का अंदाजा नुको अपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले थोड़ी देख गए। तारे फीके सारे के सारे, अपा ना हो अन्यारे, हायरे मेरे शक्कर पारे, मन्ने तू क्यों
सूट सी लग गए रागनी झूठ सी लग गए कल्ली तू लग गए सच्ची बाकी सब झूठ सी लग गए तू लग गए फुल्ला वर्गी सामने के झुल्ला वर्गी सूट में ताती लग गए मट्टी के चुल्ला वर्गी कातिल तेरा काला दिल से फीलिंग सारी फुल फिल से वे अक्सर तीन बोल दे जिनकी रब बाट में दिल से बहुत खतरनाक लगता है बंदा यार बहुत खतरनाक मेरी फैमिली ने चाहिए रैकली ने शेव बंदा तू तो डॉट नहीं कटंदा जमा डाकू लगे थोड़े आता मैं भी होके गिर निशान मेरी जान मखा ढाई तीन लाख का तमाखू लगे वो तेरा देऊ के परी चला गे खाकी आले पीछे तेरा देऊ के परी चला गे खाकी आले पीछे मम्मी डर जागे पीसीआर धोली देख के हैं गाम का अंदाजा नुको वेपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले देख के ये रंगने से गाल तेरे लाना से गुलाल मखा जाइए कदे यारा की तू होली देख गए पूर की परी से नू तो दुनिया में बहुत होई तेरे ते अटैचमेंट गोली देख गए आहो काम का अंदाजा तोरा वेपना ता हो गया और गाम का अंदाजा हो गया टोली देख के मेरी आँखा की दुनाली अग फैल तेरे डोगे रह तू मुन्ना ना डराई है मखा बोली देख के सुंदर बहुत बढ़िया यार रोमांटिक सॉन्ग बढ़िया केडी भाई के गाने कभी भी आते ना तो भाई मैं वन शॉट बोल सकता हूँ कि यार इस बंदे के गाने आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ भाई बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक होंगे एकदम बेस्ट क्वालिटी बताता हूँ केडी भाई की जब भी केडी के गाने मैं सुनता हूँ ना तो सबसे पहले मुझे ना मिट्टी की खुशबू आने लगती है बिल्कुल। मतलब एहसास होने लगता है कि कोई बंदा अपने गांव से आया है अपने गांव के बारे में बता रहा है अपने गांव मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज में स्मेल होती है इसके गानों में स्मेल है भाई फ्रेग्रेंस इसके गानों में एक मिट्टी की एक जड़ से जुड़े हुए आदमी की बहुत जबरदस्त और गाने के जो बोल है ना बहुत खतरनाक है कहता भैया तू क्या काम करता है क्या बताऊं घर पे कहां रहता है किसके साथ रहता है दो लाइनें बहुत बढ़िया लगी कहती मेरे बाप के पास 50 लोगों 60 लोगों का स्टाफ है हम सैलरी कहते हैं कहता है तो मेरे पास भी पर हम स्टाफ को ना भाई बोलते हैं हम उसे स्टाफ नहीं बोलते बहुत बढ़िया लगा ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी दूसरी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे काम का अंदाजा मेरे पिस्टल को देख के लगा लियो और मेरे गांव का अंदाजा मेरे दोस्तों को देख के लगा लियो मेरी टोली देख के लगा लियो बहुत बढ़िया और कहते हैं ऐसे तो बहुत सुंदर लड़के हैं मेरे इर्द गिर्द पर तेरे को ये तेरे ऊपर दिलाया तेरे को भोली देख के कि तू कितनी भोली है तो लड़की लैंड में भी बोलती है कि मुझे भोली देख के डराई हो मत मैं भोली नहीं हूँ अपने डोगों के साथ तू मुझे डराया कि ये तेरे डोगे बंदूक है तो बहुत जबरदस्त और मतलब लड़की को कंपैरिजन भी कर दिया कि माटी की खुशबू आती है मतलब बहुत जबरदस्त लिखता है यार ये आदमी मैं मतलब क्या क्या चीजें बोलूं बहुत डीपली बंदा लिखता है बहुत सुंदर आवाज लड़की की भी है बहुत सुंदर आवाज है और केडी भाई का तो भाई क्या ही कहने और जब ये बंदा रैप करता है ना तो ये ऐसा नहीं कुछ भी लिखता है ये जो जो लिखता है ना कहीं रिलेटेबल होता है बहुत शानदार जय हरियाणा भाई मैं तो यही कहूंगा मैं तो एक बात कहूंगी कि केडी भाई बिल्कुल हीरो लगता है सबसे पहली बात तो ये कहूंगी कि अगर वो अपने गाने लिखता है और बोलता है और खुद पेश होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इतना सुंदर लगता है कि हाँ भी हीरो आई है गाने में हीरो आई है बहुत सुंदर गाना इतना अच्छा है गाना कि इस गाने के मैं वर्ड बताऊं तो मैं बताती ही रह जाऊं तारीफें करती ही रह जाऊं केडी भाई ने बहुत सुंदर लिखा है वो यही बात कहता है ना कि भाई मेरे को अब मैंने दिल लगाया है ना सिर्फ तेरे को भोली समझ के दिल लगाया है कि तू एकदम भोली भाली है और स्वच्छ लड़की है और वो कहती है कि मुझे भोली समझ के मेरे को ये मत सोचो कि मैं डर जाऊंगी मैं डरूंगी नहीं तेरे से पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। बहुत अच्छा उसकी सिंपलिसिटी दिखाई है लड़की की लड़की भी सिंपल दिखाई है सुंदर भी दिखाई है और गाने का लिहाजा बहुत अच्छा है और वो अपने बंदूक गोलियां जो कुछ दिखा रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत सुंदर लगा भाई बहुत खतरनाक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार केडी भाई को बहुत सारा प्यार और राम राम हमारी तरफ से ऐसे ही सुंदर गाने लिखते रहो और हमारे को ऐसे ही रिएक्शन करने का मौका देते रहो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आई होप गाइज आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो तो हरियाणा के जितने भी भाई बहन है यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाना सीखा होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आई गुरी बताना मत भूलना वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ऐसे और भी गाने के ऊपर रिएक्शन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना क्योंकि वहीं से देखे हम आपके गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।